नमस्कार दोस्तों, गैजेट एंड रिपेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईपॉड को हम आपको बताते हैं, इसमें लाइट तो जलता है चार्ज करते समय, पर इसमें इस टाइप की आवाज आती है। तो अब इसे खोल के देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसके ओपन करते हैं चार्ज। जैसे कि इसके जो स्क्रू आप ओपन करते हैं तो जिस जगह से निकाले उसी जगह उसे लगा दीजिए, ताकि आपको बाद में ये दिक्कत ना आए कि कौन सा स्क्रू कहाँ से निकाले थे। ये इसका स्पीकर होता है दोस्तों, हमने स्पीकर भी चेक करने का वीडियो आपको बताया है। कंटिन्यूटी टेस्टर से स्पीकर चेक कर लीजिए, पर इसका आवाज आ रहा है तो इसी स्पीकर से ही है। दोस्तों, इसकी बैटरी फुली है, इसे हम बैटरी हटा के इसको बैटरी लगवाएंगे, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसकी बैटरी रिप्लेस करवा के देखते हैं। तो हमने इस प्रकार कोई भी मोबाइल की बैटरी ले लेना, हमने इस मोबाइल की बैटरी को ले लिया है। अभी इसे मल्टीमीटर से चेक करते हैं इसका प्लस माइनस। दोस्तों, इस वाला प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस। दोस्तों, इस प्रकार की बारीक लीड लेना, ये लीड आपको मोबाइल जो चार्जर आता है, चार्जिंग कॉर्ड, डेटा केबल, इस तरीके से हमने इसमें से निकाल लिया है पुराना। तो आप कोई भी पुराना डेटा केबल की वायर यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हमने इसे लगा लिया है। अब दोस्तों, ये बैटरी तो बड़ी हो जाती है, इसके अंदर नहीं मैच हो सकती, तो हमने दोस्तों इसे एक्स्ट्रा बार से मैच करते हैं। पहली वाली बैटरी को हटा देते हैं। तो दोस्तों, इसकी बैटरी कमज़ोर हो गई थी, इसके लिए इसकी आवाज़ क्लियर नहीं दे रही थी, तो हमने भी इसी बैटरी रिप्लेस करवाया। अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, अभी इसकी बैटरी हम बाहर से ही कनेक्ट करेंगे और इसे हम अभी पैक करवा देते हैं। तो दोस्तों, इसकी बैटरी अब हम ऐसे ही डाल देते हैं, नहीं तो ये स्पीकर पैकिंग नहीं होगा ये, तो हम इसे इस प्रकार डाल देते हैं। अगर दोस्तों आपकी ये स्विच ऑन ऑफ की खराब हो जाती है, ये देख लीजिए, अगर आपकी ये स्विच खराब हो गई है तो आप इसके बदले इस प्रकार के स्विच भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लस दो इस तरह की कॉर्ड निकाल के आप ऐसा स्विच बाहर मैच कर सकते हैं। इसका भी वीडियो हम आपको बना के बता देंगे। दोस्तों, इसकी पैकिंग भी सब ठीक से हुई कि नहीं वो देख लेना। अभी इसकी हमने पैकिंग भी सब ठीक से करवा दिया है। अभी दोस्तों, इसकी बैटरी तो अपन ने रिप्लेस करवा लिया। ओके, इसकी बैटरी हम यहाँ ही पे फिट करवा देते हैं। शुरू में इसे ग्लूगन लगा देते हैं। दोस्तों, इसकी उस तरह की छोटी बैटरी तो नहीं मिल सकती, बाकी मोबाइल की तुम छोटी इससे छोटी भी बैटरी लगा सकते हैं, पर बाकी वो उसके अंदर फिटिंग नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर फिटिंग करने के लिए उतनी जगह नहीं मिल पाती, तो हमने इसे बाहर से लगा दिया। अगर आप इसे अंदर फिटिंग करवाना चाहते हैं तो इससे थोड़ा छोटा बैटरी लेके आप इसके अंदर भी फिटिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह हमने इसे फिट करवा लिया है, ये चालू कर दिया। हमने इसे मेमोरी कार्ड लगाते हैं। Music play mode. ये ऑफ कर दिया, उसके बाद ये चार्जिंग। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इसे बैटरी रिप्लेस करवाया, क्योंकि इसकी बैटरी ख़राब होने की वजह से ये चल नहीं पा रहा था, तो हमने इसकी बैटरी इस तरह बाहर से लगा दी। आप इसे अंदर भी डाल सकते हैं, इससे छोटी बैटरी भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका काम पूरा कर दिया है। और दोस्तों, इसकी
जैसे चार्जिंग सॉकेट, इसके अलग से दो वीडियो हमने बना के डाले हुए हैं। आपको आई बटन पे क्लिक करने के बाद में इसके आईपॉड के संदर्भ में जो भी वीडियो होंगी उसकी लिंक मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।